सिलवासा श्री राम जन्मभूमि मंदिर सर्पण समिति द्वारा कार्यालय का कल शिवाजी चौक के बाजू में उद्घाटन किया गया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर सर्पण समिति के प्रमुख प्रशांत पाटिल के हाथों नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया और राम सेवक काफी जनसंख्या में उपस्थित रहे। प्रशांत पाटिल ने बताया कि राम सेवक की कमेटी बनाई गई है, वही कमेटी दादरा नगर हवेली में घर घर जाकर समर्पण मांगेगी और दादरा नगर हवेली में 15 जनवरी से 17 फरवरी तक राम सेवक घर घर जाकर समर्पण 10 रुपए से लेकर जितना जो दे सके उतने की रसीद दी जाएगी और राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण पर दादरा नगर हवेली की जनता से सहयोग करने की अपील की है। राम सेवक आपके घर पर आए तो उनको सहयोग करें, आदर करें और सम्मान करें। और कल उद्घाटन के समय पर श्री राम जन्मभूमि सर्पण समिति के प्रमुख प्रशांत पाटिल, अजय देसाई, आशीष ठक्कर, दिनेश भाई और सैकड़ों की तादाद में राम सेवक उपस्थित रहे। दादरा नगर हवेली सभी प्रदेशवासियों को जय सियाराम। आज हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की जो समिति का निर्माण हुआ है उसे चलते अपना सिलवासा दादरा नगर हवेली में भी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और यह समिति जो निर्माण हुई है और समिति में जो लोग सहयोग कर रहे हैं और हमारी पूरी गठन हो चुकी है, हर घर घर तक जाएंगे, गांव गांव तक पहुंचेंगे, हर एक फ्लैट में जाएंगे, हमसे बने जितना राम में धन राशि के हिसाब से हमको 10 रुपया क्यों ना हो श्री राम मंदिर में हमको दान करना है। और अपना यह कार्यालय शिवाजी राजे चौक के सामने ही है, अगर किसी को कुछ प्रकार की माहिती और सहायता चाहिए होगा तो आप कभी भी वहां उपस्थित हो सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।